नमस्कार, मैं प्रज्ञा धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बीएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी लगातार बिहार की नीतीश सरकार पर हमला बोल रही है। ताजा मामलों में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने महागठबंधन सरकार पर करारा हमला बोला है और पेपर लीक के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पेपर लीक का सारा खेल सरकार के संरक्षण में चल रहा है। भारतीय टीम को अगले साल की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खेलनी है। फिलहाल इस सीरीज के लिए टीम इंडिया का चयन करने के लिए सिलेक्शन कमेटी ही नहीं बन पाई है। इस बीच खबर है कि चेतन शर्मा का निर्वर्तमान चयन समिति ही सीरीज के लिए टीम चुनेगी। इस सीरीज में हार्दिक पांड्या टीम का नेतृत्व कर सकते हैं। बिहार के मौसम में उलटफेर देखने को मिल रहा है। शनिवार को अचानक पूर्वानुमान से पूरे मध्य भारत की ओर से शीतकालीन बारिश की वजह से माने जाने वाले विशेष बादलों ने बिहार में दस्तक दी। इससे मुजफ्फरपुर सहित पूरे प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी हुई। हालांकि ज्यादा बारिश के आसार नहीं है। बादलों का यह समूह रविवार दोपहर तक निकल जाएगा। इस वजह से प्रदेश के कई इलाके में घनघोर कोहरा छाने की संभावना है। SBI लाइफ इंश्योरेंस बच्चों के लिए एक ऐसी स्कीम पेश किया है जिसमें आपकी बच्चे के पढ़ाई से लेकर शादी तक के खर्च तनाव खत्म हो जाएगा। SBI चाइल्ड प्लान फिक्स्ड डिपॉजिट के तहत दो योजनाएं हैं। पहला SBI लाइफ स्मार्ट चैंप इंश्योरेंस और दूसरा SBI लाइफ स्मार्ट स्कॉलर, जिसमें निवेश कर आप अपने बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं। बिहार के मोतिहारी जिले में शुक्रवार शाम एक ईंट भट्टे की चिमनी ब्लास्ट होने से मरे सभी 9 मजदूरों के परिजनों के लिए सीएम नीतीश कुमार ने मुआवजा देने का ऐलान किया है। सीएम ने शनिवार को हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। सीएम ने घायलों के खर्च राज्य सरकार द्वारा उठाए जाने का भी ऐलान किया है। आज क्रिसमस के मौके पर देशवासियों को मन की बात कार्यक्रम के जरिए संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने देशवासियों से पिछले हफ्ते अपने विचारों को भेजने के लिए आमंत्रित किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री आज इस कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने की भी बात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि पीएम लोगों से आग्रह कर सकते हैं कि वे कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। मास्क से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग पर भी पीएम लोगों से अपील कर सकते हैं। बिहार में जहरीली शराब से हुई 70 से ज्यादा मौतों के बाद राजनीति गर्मा गई है। जहां विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा है, वहीं जेडीयू के पूर्व विधायक ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल साबित हुई है। तृणमूल कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद ने पीएम मोदी को लेकर की गई अपनी टिप्पणी पर माफी मांगी है। सोशल मीडिया पर लोग कीर्ति आजाद द्वारा माफी मांगे जाने पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि टीएमसी से निकलकर अब AIMIM ज्वाइन करने का इरादा है क्या। वहीं एक और यूजर ने लिखा है कि नया रिवाज चला है, पीएम और प्रेसिडेंट को गाली दो फिर माफी मांगो। भारत चलो यात्रा की तैयारी बिहार में भी जोर शोर से शुरू हो गई है। बिहार में इस यात्रा को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने राज्य के सभी प्रमंडलों में प्रमंडलीय प्रभारी और जिला पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। यह यात्रा बिहार में 5 जनवरी 2023 को बांका से शुरू हो रहा है। दिल्ली कैपिटल्स के चेयरमैन और सह मालिक पार्थ जिंदल ने कहा, ईशांत शर्मा और मनीष पांडे जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को शामिल करके हम पिछले सीजन से अपनी टीम में सुधार करने में सफल रहे हैं। रैली रोसॉफ, फिल सॉल्ट और मुकेश कुमार के साथ हमारे पास बहुत अच्छी तरह से संतुलित टीम है। मुझे लगता है कि हमारे पास पिछले सीजन की तुलना में अच्छी टीम है। जनसुराज पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने मधुबनी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, उन्होंने कहा, गलती हम बिहारियों की है जो चोर दलालों को सत्ता की चाबी सौंप रहे हैं। आज हमने गलत लोगों को सत्ता पर बैठा रखा है। आज वे अभ्यर्थी जो 2-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनसे जाकर पूछिए कि पेपर लीक होने का दर्द कैसा होता है। आज बिहार में किसान तो परेशान है ही, इससे ज्यादा अभ्यर्थी परेशान है जो सालों से मेहनत करने के बाद भी सही से परीक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने चेतन शर्मा की अध्यक्षता वाली चयन समिति को बर्खास्त कर दिया था। इसके साथ ही बोर्ड ने चयनित पदों के लिए नए सिरे से आवेदन भी आमंत्रित किए थे। बोर्ड ने इसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की थी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 नवंबर निर्धारित की गई थी, जो काफी समय पहले खत्म हो गई है। BCCI को भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 5 सदस्यीय चयन समिति के लिए 600 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसकी छटनी की जाएगी, जिसके बाद बचे मुख्य नामों पर चर्चा की जा सकती है। BSSC पेपर लीक मामले में जहां विपक्ष और अभ्यर्थी सूबे की सरकार के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं, तो वहीं अब महागठबंधन में शामिल दल RJD के बिहार प्रदेशाध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बड़ा बयान देते हुए ऐसे मामलों को चिंता का विषय बताया है। बिहार RJD अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि बिहार में लगातार परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होना एक चिंता का विषय है और इस तरह के कारनामों से बिहार की छवि धूमिल हो रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि बिहार सरकार हर मोर्चे पर लगातार कार्रवाई कर रही है। सिक्किम में सड़क हादसे में शहीद हुए बिहार के जवीन लांस नायक प्रमोद सिंह का पार्थिव शरीर भोजपुर के बामपारी गांव पहुंचा, जहां से अंतिम संस्कार के लिए बरहरा के मोहली गंगा घाट ले जाया गया। इस दौरान शहीद प्रमोद सिंह की अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ा पड़ा। हर किसी की आंखें नम थी, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था और देशभक्ति के नारों के बीच प्रमोद की शव यात्रा निकली।
आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने बीएसएससी परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने शहर से एक प्राइवेट शिक्षक को दबोचा है। उससे पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार शिक्षक शहर के शांति निकेतन जुबली स्कूल का शिक्षक सचिंद्र नाथ ज्योति बताया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा है कि 10 साल पहले विशिष्ट पहचान क्रमांक पाने वाले और इस दौरान कभी भी अपने दस्तावेजों को संशोधित नहीं कराने वाले निवासियों को अपनी नवीनतम जानकारी अपडेट करानी चाहिए। बयान में कहा गया, जिन निवासियों ने अपना आधार कार्ड 10 साल पहले बनवाया था और उसके बाद इन वर्षों में कभी भी उसे अपडेट नहीं किया है, ऐसे आधार धारकों को अपने दस्तावेजों को अपडेट करना चाहिए। चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार की राजनीति में पहचान बनाने के लिए पदयात्रा पर हैं। उन्होंने शनिवार को अपनी जन स्वराज पदयात्रा के दौरान पूर्वी चंपारण में कहा कि आज लालू प्रसाद का बेटा 10वीं भी पास नहीं किया है और उनको चिंता है कि उनका बेटा मुख्यमंत्री कैसे बन जाए। बिहार की जनता जाति और धर्म में ही उलझी रह जाती है। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी और उनके पति आनंद पीरामाल जुड़वा बच्चों के अमेरिका से मुंबई लौटा है। रिपोर्ट के अनुसार त्रिमुला श्री द्वारकाधीश मंदिर आदि के पुजारी जुड़वा बच्चों के लिए विशेष पूजा करेंगे। पूजा के लिए तिरुपति बालाजी मंदिर, नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर, श्री द्वारकाधीश मंदिर समेत कई मंदिरों से प्रसाद मंगवाया गया है। इस मौके पर अंबानी परिवार 300 किलो सोना दान करेगा। भोजन प्रसादी के लिए दुनिया भर से कैटरर्स बुलाए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राजकीय समारोह के बाद पत्रकारों से बात करते हुए आम लोगों से अपील की कि कोविड को लेकर अलर्ट रहे लेकिन घबराए नहीं। बिहार में केस नहीं है और जांच में राज्य बहुत आगे है। इलेक्ट्रॉनिक और ऑटो क्षेत्र की कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाने की शुरुआत हो गई है। अब इन कंपनियों को ग्राहकों को यह बताना होगा कि उनके उत्पादों पर मरम्मत का अधिकार क्या है, कल पुर्जों की कीमत कितनी है, हर सामान की उपलब्धता की जानकारी भी देनी होगी। यह सभी सूचना एक ही पोर्टल पर मिलेगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को राइट टू रिपेयर पोर्टल पर NTH नाम के ऐप को लॉन्च किया। भ्रष्टाचार और लापरवाही की शिकायत के प्रति जीरो टॉलरेंस का जारी रखते हुए दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी कार्रवाई की है। अश्विनी वैष्णव ने जॉइंट सेक्रेटरी समेत टेलीकॉम डिपार्टमेंट विभाग के 10 वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन रिटायर करने पर मुहर लगा दी है। भ्रष्टाचार को एकदम बर्दाश्त न करने की नीति और काम करो या काम छोड़ो अभियान के तहत यह छटनी की गई है। एक आधिकारिक सूत्र ने शनिवार को इन अधिकारियों को जबरन रिटायर किए जाने के फैसले की जानकारी दी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत और रूस के संबंधों में गर्माहट कभी कम नहीं हुई। चाहे कच्चा तेल हो या फिर S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का निर्यात, भारत हमेशा रूस के साथ व्यापार समझौते को मजबूत करता रहा है। इसी बीच शनिवार को जानकारी सामने आई है कि अगले साल रूस जनवरी फरवरी से भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के तीसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति शुरू की जाएगी। भारतीय सेना की तरफ से 155 MM52 कैलिबर वाली टोगोन सिस्टम यानी तोपों को खरीदने के लिए नया अनुरोध रक्षा मंत्रालय को भेजा गया है। इसके बाद अब कौन सी कंपनी आगे आएगी इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है, मगर ऐसा माना जा रहा है कि इसराइल की कंपनी एल्बर्ट के लिए यह एक बेहतर मौका हो सकता है। कंपनी की तरफ से तैयार एथोस होविटर सिस्टम के लिए सेना को पेशकश की जा सकती है। भारत में भी अब ड्रोन का इंश्योरेंस करा सकते हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने ड्रोन का इंश्योरेंस कराने के लिए एक खास प्लान लॉन्च किया है। यह इंश्योरेंस पॉलिसी एयरक्राफ्ट को होने वाले फिजिकल डैमेज या फिर चोरी को कवर करती है। हालांकि HDFC एर्गो ICICI लोम्बार्ड टाटा AIG जनरल और बजाज अलियांज जनरल पहले से ही इंश्योरेंस की सुविधा मुहैया करा रही है। मोबाइल फोन की जितनी भी कंपनी मौजूद है उनके इस साल कई मोबाइल कंपनियों ने 150 वॉट से लेकर 200 वॉट तक के चार्जर पेश किए, लेकिन नए साल में इससे भी तेज चार्जर बाजार में मोबाइल के साथ देखने को मिलेंगे। रियलमी नए साल में 240 वॉट के चार्जिंग पावर एडॉप्टर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसकी मदद 12 मिनट में मोबाइल फोन पूरी तरह चार्ज हो सकता है। आधुनिक समय में लोगों के सामने निवेश के कई विकल्प खुल चुके हैं। लोग सरकारी योजनाओं से लेकर शेयर बाजार और बैंक FD तक में निवेश कर रहे हैं। इस साल केंद्रीय बैंक की ओर से रेपो रेट में 2.25% तक की बढ़ोतरी के बाद अब बैंकों ने अपने फिक्स डिपॉजिट के रेट्स में भी अधिक बढ़ोतरी की है। साथ ही बैंकों ने स्पेशल FD का भी विकल्प दिया है। अरबपति एलोन मस्क वह चेतावनी दे रहे हैं कि जो गलती वह खुद कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अपनी सिक्योरिटीज की वैल्यू पर उधार लेने से स्टॉक मार्केट में भारी हलचल का रिस्क पैदा होता है। मस्क ने हाल में जारी एक पॉडकास्ट में कहा, मैं उतार चढ़ाव भरे स्टॉक मार्केट में लोगों को मार्जिन ट्रेड नहीं करने की सलाह दूंगा और कैश को सुरक्षित रखने की जरूरत है। आप गिरते बाजार में बहुत मुश्किल हालात में फंस सकते हैं। भारतीय ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर मुश्किल में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने के बाद उन्होंने 3 विवादित ट्वीट लाइक किए। दरअसल बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की प्लेइंग 11 में उन्हें नहीं चुना गया था। इसके बाद शार्दुल ने ऐसे ट्वीट लाइक किए जिसमें चयन को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अब अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वैसे उन्हें अब भी अस्पताल के पास ही एक घर में रखा गया है। जानकारी यह भी है कि सारा परिवार नए साल का जश्न साथ मनाएगा। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद अस्पताल से बाहर आ गए हैं। 5 दिसंबर को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में उनकी किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन हुआ था।
त्वांग झड़प के बाद भारत और चीन संबंधों को लेकर चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बड़ा बयान दिया है। वांग यी ने कहा कि चीन और भारत ने राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से कम्युनिकेशन बनाए रखा है। दोनों देश सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम चीन भारत संबंधों के स्थित और मजबूत विकास की दिशा में भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है। हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है दीपक कुमार, नुन्नू गोलू कुमार, रविशंकर, मोहम्मद नौशदराजा, राजकुमार कुशवाहा, मोहम्मद सकीर हुसैन, अनवर करीम खान, भान प्रकाश मौर्य। अब बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, भारत और बांग्लादेश के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज में आपको किस भारतीय खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा लगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।